हमारे बीच में हम चाहेंगे हमारे अभी उभरते हुए गायक कलाकार अमरनाथ के नगरी में अपने समाज के लोग, पूरे देश के लोग जो मुझे आज सम्मान दिया है, मैं अपने समाज के लोगों का हमेशा आजीवन आभारी रहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल विकास समिति, आज हम लोगों का बाल विकास समिति के जिला अध्यक्ष थे, समिति के लोगों ने मेरे कार्य के ऊपर आज पूरे पूर्वांचल के लोग ने निर्णय लिया कि आपको बाल विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। जो आज मुझे सम्मान मिला है, मैं अपने समाज का आजीवन आभारी रहूँगा और अपने समाज को धन्यवाद और बधाई देता हूँ जो कि आज मुझे ये सम्मान मिला है। क्या देख रहे हैं आने वाली राजनीति में समाजवादी पार्टी किस तरह से, क्या मोटो रहेगा, क्या स्टैंड है आने वाले समय में? आप लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव गोरखपुर और लोकसभा चुनाव फूलपुर, दोनों जगह समाजवादी पार्टी जीत हासिल की है और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली में भी सरकार बनाने का काम करेगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के पाल समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहने का काम करेंगे। जो अभी 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, उसको किस तरह से देखते हैं? जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, मैं उसका सम्मान करते हैं, वही निर्णय जो आया है वो सर्वोपरि है। जो हिंसा हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं? हिंसे वाले मुद्दे पे वो है, बहुत जो भी घटना हुई बहुत निंदा घटना हुई है, हम लोगों ने पेपर के माध्यम से पढ़ा, मैं उस घटना को निंदा करता हूँ। आने वाली राजनीति में कांग्रेस सपा बसपा तीनों मिलके बीजेपी से टक्कर लेंगे, क्या लगता है कि बीजेपी को आप लोग धाराशाही कर पाएंगे? एकदम पूरे भरपूर तरह से हम लोग बीजेपी को धाराशाही कर देंगे और ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सफलता मिलेगी हम लोगों को और समाजवादी पार्टी की दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं कि वो आ रही है महागठबंधन में कि नहीं आ रही है? अभी कोई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। काशीवासियों को सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि अखिलेश जी जब जितने 5 साल तक मुख्यमंत्री जी की नाराजगी है, बनारस वाले हमेशा और नारा लगाने का काम करते हैं और दिखावा करने का काम करते हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करने का काम नहीं करते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी दुखित रहते हैं बनारस के नेताओं से जो कि काम करना नहीं जानते। तो उनको 5 साल में कभी तो आना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना चाहिए या फिर उनको पता करना चाहिए कि क्या चल रहा है। नहीं, सरकार थी तो एक दो बार, 2-3 बार मुख्यमंत्री जी आए हैं बनारस। नहीं, बनारस में उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है, वो जब भी आए एयरपोर्ट से ही चले। राजीव प्रधानमंत्री जी आए थे एक बार, तो आए थे 2-3 बार का, तो वो तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया ना। तो चलिए, फिलहाल आगे की क्या रणनीति है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, किस तरह से आगे पूर्वांचल में किस तरह से वो लिख करेंगे? पूर्वांचल का पूरे देश में अगर पाल समाज के खिलाफ अन्याय होगा, गरीब मजदूर किसान के खिलाफ अन्याय होगा, तो मैं लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहूँगा और कार्य करूँगा और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा और सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।